गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया है। तो डे थ्री की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन। सुबह 4 बजे उठ गया था भाई और अभी बजे हैं 5। दिन निकल गया जी, धूप निकलने को है, हवा चल रही है बढ़िया। और ये हमारी इंडियन फोर्स, बोले तो इंडियन आर्मी भी ड्यूटी पे आ गई है। और ये खड़ा है मेरा चीता भाई। बाकी सब लोगों की बात करूँ तो सारे अभी सोए पड़े हैं भाई। ये था हमारा होटल गिंदरबल में, श्रीनगर से तकरीबन 50-55 किलोमीटर आगे। भाई सुबह सुबह उठ के गेट भी खुद ही खोलने पड़े हैं क्योंकि होटल मालिक ने बोल दिया भाई सुबह 5 बजे मैं नहीं उठूंगा, तो उसने मेरे को ताले की चाबी दे दी थी। इसी के साथ मुझे गाड़ी के पास थोड़ी सी हलचल दिखाई दे रही है, कौन उठाए जरा जाके देख लूँ। जब तक उसके पास चलते हैं भाई, मैं आपको एक बात बोल दूँ, मेरे यूट्यूब के पापियो, फोकट में वीडियो देखते रहते हो, वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओह माय गॉड, ये सौरभ ये भाई अपने कपड़े कर रहा है बाहरी चेंज। वाह वाह क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए, सलूट भी मार रहा है, क्या बात है। भाई ये देख लो, तो टीम आरईसी वालों के पास समय की बहुत कमी रहती है, इसलिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार। तो इसी के साथ करते हैं आगे की शुरुआत। मिले सुर मेरा तुम्हारा और मिलाते हैं अपने सुर भाई, चलते हैं अब आगे लेह की ओर। यहाँ से बोर्ड में दिखा रहा है लेह 400 किलोमीटर। भाई समझ रहे हो आप, अभी मैं गिंदरबल में हूँ और 400 किलोमीटर। सो मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं रचित, और ये आपका दोस्त है MSJ। जी हाँ मैं। आगे चलते हुए भाई यहाँ देखो लोग सुबह सुबह भाई 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, वो औरतें भी निकली हुई हैं भाई, क्या बात है भाई। चलो कोई नहीं, जगह जगह की बात होती होगी, हमारे यहाँ तो पड़े रहे हैं रात ने। और ले भाई, कल ट्रैफिक थी ट्रकों की तो आज वो देखो शाह बकरी। भाई इतनी सारी बकरियों को देख के कभी कभी मेरे दिमाग में ना एक ही बात आती है, भाई एक बकरी कितना दूध देती है? 200 ग्राम, 225 ग्राम देती होगी। भाई इतनी सारी बकरियों का दूध साले निकालते कैसे होंगे ये? भाई मेरी तो सोच के सर चकरा जाता है। आप बताओ यार, मतलब क्या आपके दिमाग में भी ऐसे ख्याल आते हैं या सिर्फ मेरी? अरे हट जाओ यार, जाने दो अब। ए बकरी चल 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 चल, अबे जगह छोड़ दो, हमें तो जाने दो, तुम तो यहीं चढ़ जाओगे कहीं भी। ओ शाब जी, ओ देखो बकरी, देखो बकरी। और भाई इतनी सारी बकरियों को संभालने वाला ये एक प्राणी, पता नहीं कौन से टाइप की सीटियां बजा बजा के इतनी बकरियों को संभाल लेते हैं, अलग ही गेम है भाई। चलो कोई नहीं, बकरियां अपना काम करेंगी, हम अपना काम करेंगे। सो चल दिया हम एक नए दौर की ओर। और भाई जैसे ही मैं इस जगह में एंटर किया ना, तो यहाँ पे पानी की आवाज़ देख रहे हो साइड से, जो पानी बह रहा है, अरे ऐसे उबाल मार रहा पानी, ऐसे गोते खा रहा है ना। वो कह रहा है एक्चुअली ऊपर सारा का सारा बर्फ का पानी पिघल के नीचे इस नहर में आ रहा है और यहाँ से ये इकट्ठा हो के पानी बह जा रहा है। और भाई धूप सामने से ऐसी धूप लगी है बिल्कुल करारी क्रिस्प, आगे देखा भी नहीं जा रहा था, मेरे को हाथ हटाना पड़ा अपने उसके आगे वाइजर के आगे, तब जाके तो देखा जा रहा था, क्योंकि पहाड़ों में मौसम साफ होता है यार। देखो अगर मेरे कैमरे में देखो तो कैमरे की भी आंखें नहीं खुल रही, नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे भाई। सबसे अच्छा व्यू मिल रहा है ना जो, ये एक तो सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं और पैरेलल ये जो नहर चल रही है ना भाई, आय हाय दिल को कराया, आए ऐसा कोई गाना गाने, ओह एक गाना और याद आ गया भाई, रुक जाओ दिल दीवाने, नहीं ऐसे कोई साइड में खड़ा हो हमारे लिए भी गाना गा रहा हो। लेकिन चलो छोड़ो यार, यहाँ बंदा ना बंदे की जात कोई दिख तो रहा नहीं साला, गाना कौन गाएगा हमारे लिए। चलो कोई बात नहीं भाई, आगे चलते चलते अब यहाँ से सबसे पहले ना हमने पहुँचना है सोनामार्ग। सोना पार्क पहुँचते ही फिर अपना वो जोजीला वाला जो था बोर्ड आता भाई, वहाँ अपनी 2000 फोटो वोटो पे लेंगे और उसके बाद निकल देंगे भाई आगे। ये क्या लिखा है, हाउस, पता नहीं भाई, नीले नीले रंग के बोर्ड से लगे हुए हैं, क्या चीज है, काफी सारे लगे हुए हैं। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि बोर्ड पढ़ने जाऊं तो इस कहीं बोर्ड पढ़ने में ध्यान ना रह जाए और मैं सीधा नहर में ही मिलूं, बचाने वाला भी नहीं है ना कोई फिर। यहाँ देखो भाई लैंडस्लाइडिंग काफी हो रखी है, लैंडस्लाइड, ये बात तो थोड़े थोड़े वादियां देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा, नहीं कहाँ हूं मैं।
तो लो बताइए देते हैं जी आपको, वेलकम टू सोनामार्ग भाई। ये पहले पिछले साल इस रोड से गए थे हम, अब ये नया रोड बन गया, नहीं तो इस जगह पे फोटो खींचने की वजह से आके रुके हैं, अदरवाइज यहाँ से चुपचाप निकल जाते पता भी नहीं लगता है ना। लेकिन लास्ट ईयर गया था मैं ओल्ड वाले रोड से ही भाई, सामने वाले रोड से ही गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, समय समय की बात है, बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन मेरे प्यारे चीते अभी भी वहाँ फोटो खींचने में लगे हुए हैं, और पीछे वाले रियर कैमरे में दिख रहा है एक और, ओह लाल चड्डी भी आ गया, क्या बात है। चलो 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 भाई, इस एरिया में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये प्रभु बस आप ही रक्षा कर सकते हो हमारी। हाथ जम गए, पता नहीं क्या क्या जम गया भाई, कहाँ कहाँ से ठंड और कहाँ कहाँ घुस गई, समझ नहीं आ रहा। ये तो देख रहे हो ना सामने आप, ये रेत नहीं है भाई, ये सब बर्फ है, धोखे में मत रहना। तभी कहूँ इतनी ठंड कैसे लग रही है, ध्यान से देखा तो पता लग रहा है भाई, इर्द गिर्द सब जगह ठंडी ठंड। हाँ भाई तू भी कर, जल्दी कर ले प्रार्थना, घंटी भी बजा ले। खैर क्या कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आगे निकले भाई, तो ये बॉब को मैंने देखा कि ये लेटा हुआ था नीचे और कोई उसे उठा रहा था। लेकिन चलो बॉब का भी अपना टैलेंट है भाई, ये कहीं भी लेट सकता है, कहीं भी उठ सकता है। चल भाई चल, तू तो चल, क्या हो गया, तू क्यों खड़ा है, हैं? अच्छा मैं जाऊँ आगे, चल मैं जाता हूँ भाई, मुझे ही पार करना पड़ेगा ये, वो क्या कहते हैं उड़ते हुए तीर जो है ना, मुझे छाती पे लेने पड़ते हैं सबसे पहले, आओ तुम्हें राह दिखाएं और तुम्हें उस पार ले चले। नहीं लेकिन भाई इतनी बर्फ देख के ना कई बार ऐसा भी लगता है कि साला ऊपर ही आ गई ना बर्फ, तो वो क्या कहते हैं करछियों से खोद खोद के निकालने पड़ेंगे हैं, वो जिनसे वो बर्फ खोदते हैं क्या बोलते हैं उसे, बेलचे से। देखो भाई सारे आ गए या नहीं आ गए, पता चले मैं निकल गया और बाकी एक आधा रह गया पीछे। गौरव तो आ गया, लाल चड्डी भी आ गया, हरी भी आ गया और गाड़ी भी आ गई। चलो भाई आगे चलते हैं, इस सफर को आगे बढ़ा के चलते हैं। भाई ठंड की लेकिन दाब देनी पड़ेगी इस एरिया में आके, इतनी बर्फ है। देखो हाइट देखो बर्फ की यार, कम से कम भी 10-10, 12-12 फुट की हाइट है बर्फ की, और ये ऊपर से स्लाइड होके आई हुई बर्फ है जिसको काट के रास्ता बना रखा है, ठीक है ना। तो जून के महीने में इतनी बर्फ, हे राम, बस प्रभु कहाँ हो आप। और अगर साइड का व्यू भी आप देखोगे ना, हर तरफ इतनी बर्फ है ना, लग तो सुंदर रहा था, मतलब एक्चुअल में देखने में सुंदर लग रहा था, लेकिन क्या करें, कितनी सुंदरता आंखों में बसाएंगे हम। चलो कोई नहीं भाई, अब पहुंच गए हैं जी हम लोग सोनामार्ग, ठीक है ना। यहाँ आके हमने अपनी सोनामार्ग क्या भाई, ये अपना हो गया सोनामार्ग से ठीक पहले जो अपना क्या बोलते हैं जोजिला क्रॉस टनल है ना, जहाँ पे वो बोर्ड बना, उससे पहले मैगी पॉइंट वगैरह है, और यहाँ पे ये लोग स्केटिंग वगैरह कराते हैं और वो आइस बर्फ वाले गेम खिला देते हैं भाई। तो हमने तो खिलाया नहीं, हमारे पीछे लगा हुआ था, मैं क्या छोड़ना भाई, बाइक लेके कहाँ घुसेंगे हम। अब यहाँ से निकल के जैसे ही हम निकले तो हमारा ओल्ड इज गोल्ड वाला जो बोर्ड है भाई जोजिला का, वो आ गया जी, वेलकम टू जोजिला। जी हाँ जोजिला में आपका स्वागत है, और जोजिला है जी 11,649 फुट पे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ से ढकी हुई चोटियां। और ये आ गया भाई आरईसी के सभी चीते, और ओए दमन दमन एक फोटो ले यार, शाबाश क्या बात है, आगे आ जा आगे। नहीं यार चलो उतर के ही मैं फोटो क्लिक कराता हूँ। सो भाई अपना ये फोटो सेशन चलता रहेगा, अब पहुंच गए जोजिला, आगे की जर्नी जोजिला से आगे चलेगी,
बस आप लोगों से एक ही दरखास्त है कि आप जब वीडियोस देख ही रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, चुपचाप बैठ के वीडियोस मत देखा करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।